दोस्तों राजस्थान की ग्राम पंचायत सरपंच चुनाव की जो चरण थे उन चरणों में बड़ा बदलाव हुआ है, तो आज आपको मैं पूरी उसकी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। विषय पंचायती संस्थाओं के आम चुनाव 2020 ग्राम पंचायतों के चरण परिवर्तन के संबंध में संदर्भ आयोग के पत्रांक 6256 दिनांक 26/12/2019 महोदय से लिखा गया है। इसमें कौन कौन से जिले की लिखी है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। पहले नंबर पे अजमेर, पंचायत समिति का नाम है श्रीनगर, ग्राम पंचायतों की संख्या 7, कार्यकाल समाप्ति की दिनांक 18/1/2020, आयोग द्वारा आम चुनाव ये तो निर्धारित दिनांक थी 22/1/2020, द्वितीय चरण से प्रथम चरण में स्थानांतरित किया जाता है, मतलब 22 से अभी 17 पहले चरण में शामिल किया जाता है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप इसमें देख ले कि आपके जिले की कौन सी पंचायत समिति है। दूसरी अलवर की उमेरण, इसमें पंचायत ग्राम पंचायतों की संख्या 3, 23/1/2020 ये कार्यकाल समाप्त किए और आम चुनाव थे 29 तारीख, मतलब तृतीय चरण से द्वितीय चरण में स्थानांतरित किया जाता है 29 तारीख से 22 तारीख में। बाड़मेर की कौन कौन सी है, बाड़मेर की पहले नंबर पर फागड़िया जो तृतीय चरण से प्रथम चरण में स्थानांतरित की जाती है, 29 तारीख को वोटिंग थी वो अब 17 तारीख को होगी। दूसरे नंबर पर सेड़वा में ग्राम पंचायतों की संख्या 10, यह द्वितीय चरण से प्रथम चरण में स्थानांतरित की जाती है। तीसरी है पायला कला, ये भी द्वितीय चरण से प्रथम चरण में स्थानांतरित की जाती है। चौथे नंबर पर जिला है हमारा धौलपुर की है सरमथुरा, जिसमें 22 ग्राम पंचायत है, यह तृतीय चरण से प्रथम चरण में स्थानांतरित की जाती है 29 तारीख से 17 तारीख में स्थानांतरित की जाती है। जैसलमेर की कौन कौन सी, जैसलमेर की है नाचना, जिसमें ग्राम पंचायत है 12, द्वितीय चरण से प्रथम चरण में स्थानांतरित की जाती है, मतलब 22 तारीख से 17 तारीख पर स्थानांतरित की जाती है। दूसरी है भणियाणा, जो तृतीय चरण से प्रथम चरण में स्थानांतरित की जाती है, ये तृतीय चरण की है मोहनगढ़, फतेहगढ़ और भणियाणा, इन सभी की तृतीय चरण से प्रथम चरण में स्थानांतरित की जाती है। जो 29 तारीख को वोट होने थे वो अब 17 तारीख को हो गए। छठे नंबर पे जिला हमारा जालौर की सरनाऊ तहसील, जिसमें 5 ग्राम पंचायत है, यह भी तृतीय चरण से प्रथम चरण में शामिल की जाती है, तृतीय चरण से मतलब 29 तारीख से इनके वोट 17 तारीख को होंगे। अगली है झालावाड़ की अकलेरा शब्द ग्राम पंचायत है, यह द्वितीय चरण से प्रथम चरण में स्थानांतरित की जाती है 22 तारीख से 17 तारीख में। आठवें नंबर का जिला हमारा जोधपुर की चामू के 20 ग्राम पंचायत है, यह तृतीय चरण से प्रथम चरण में स्थानांतरित की जाती है, मतलब 29 तारीख से 17 तारीख में। अगला जिला है करौली मासलपुरा 17 ग्राम पंचायत है, प्रथम चरण में स्थानांतरित की जाती है। नागौर के मुंडवा, मेड़ता और डिडवाणा, मुंडवा द्वितीय चरण से प्रथम चरण में स्थानांतरित की जाती है और मेड़ता तृतीय चरण से द्वितीय चरण में स्थानांतरित की जाती है और डीडवाणा तृतीय चरण से प्रथम चरण में स्थानांतरित की जाती है। 11 नंबर पर राजसमंद की देलवाड़ा, समस्त पूरे देलवाड़ा के प्रथम चरण में स्थानांतरित की जाती है, मतलब जो द्वितीय और तृतीय थे वो प्रथम चरण में होंगे। अगली श्रीगंगानगर की सादुल शहर तृतीय चरण से द्वितीय चरण में स्थानांतरित की जाती है, जो 29 तारीख को वोट होने थे वो भी 22 तारीख को वोट होंगे। तो ये पूरी राजस्थान के सभी जिलों की जो महत्वपूर्ण जिले थे उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल जारी हुआ था, उसमें बताया गया पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 ग्राम पंचायतों के चरण परिवर्तन के संबंध में ये नोटिस जारी हुआ था। तो इसका भी आप वीडियो को पॉज करके पूरी जानकारी आप देख सकते हो कि हमारी ग्राम पंचायत के वोट 29 तारीख के होंगे, 22 तारीख के होंगे या 17 तारीख को, जो नए बदलाव हुए हैं उनके हिसाब से। धन्यवाद दोस्तों।